हाँ जी, क्या हाल चाल? तो गाइस स्वागत करते हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के अंदर। तो गाइस इस बार मेरे को बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत महंगा काम मिला है गाइस। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं कि ये गाड़ी का जो भी ये कंटेनर भर के लेके आया, मैं कंपनी से यहाँ से लेके जाऊँगा, अभी 512 किलोमीटर लेके जाऊँगा इस गाड़ी को। तो कोई टेंशन ना करके इस गाड़ी को लेके चलते हैं, बहुत लंबा सफ़र रहने वाला है। चलो अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंदर, कैसे क्या गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है चलाने में, तो चलो चलाते हैं फटाफट से। और राजस्थान का रोड आ चुका है फाइनली, इंडियन रोड्स इसे होते हैं। और ये घर ने पास पास में बना रखे हैं सालों ने, थोड़ा पीछे बना तो गाड़ी का डायरेक्शन वगैरह ना हो जाए। वैसा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और मेरी एचडी की आधी डिस्प्ले जाने वाली है, बता दो गाइस, क्योंकि खर्चा आने वाला है। और वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं, यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ रही है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, करे तो क्या करे, खर्चे पे खर्चा आ रहा है। और ये भी डिस्प्ले जा रही है, लाइनें आने लग गई है इस पर भी। मुझे लग रहा है नई एलसीडी मंगानी पड़ेगी, जो भी बहुत महंगी पड़ने वाली, 10 या 12 हज़ार का लमसम आईपीसी एलसीडी आती है। मेरे को बहुत बड़ी वाली राउंड वाली चाहिए एलसीडी, जो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आने वाली है, 18-19 हज़ार का लमसम आएगी भाई। तो भाई कोई अच्छा बंदा हो तो स्कैनर पे पैसे डाल दे मेरे, यूपीआई कर दे। भाई मज़ा बहुत आने वाला है, लंबा सफ़र रहने वाला है और मज़ा बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। पहाड़ी इलाकों का रास्ता रहेगा और हरा भरा मैदान रहेगा। अभी देखो कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं भाई, आप भी पेड़ लगाओ यार अपने गांव में। मैं भी लगा रहा हूँ, अभी अगली छुट्टी को आने वाली है मॉस, तो मॉस को छुट्टी रहती है, तो मैं 10 पेड़ मेरे तरफ से लगाऊंगा, मेरे खेत पे लगूं या घर में लगूं या स्कूल के लगूं, छोटे बच्चों की स्कूल रहती है ना वहाँ पे लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, पर अपने इच्छा अनुसार पेड़ लगाऊं, कौन सा भी पेड़ लगाऊं, नीम का लगो, क्या बोलते हैं, फल फ्रूट वाला तो लगाओ, पीपली वगैरह लगो, कुछ भी लगाओ पर पेड़ लगाओ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। आपको पता होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं बैठे बैठे पसीना हो रहा भाई, फाइन चला रखा तभी। और यहाँ पर ये सालों ने काम छेड़ रखा है, क्या काम छेड़ रखा है, कहीं पर जाओ काम छेड़ रखा भाई, काम तो पूरा करते नहीं, आधा अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं। और मेरी गाड़ी के ब्रेक आने रही, जैसे को बड़ा वाला टूर करने के बाद गाड़ी के ब्रेक ही नहीं आ रहे। ये बड़ी गाड़ी, चल रहे देखे कितना क्या पैसा मिलता है, जो पैसा मिलेगा तो पेड़ लेके आऊंगा उससे। भाई गर्मी बहुत ज्यादा होने लग गई राजस्थान में, 44 डिग्री तापमान चला जाता है, 44 डिग्री मॉर्निंग को रहता है, 35 दिन में 44 से ऊपर जाता है, 50 भी हो जाता है कभी कभी। भाई शॉप पे काम करने का मन नहीं करता है भाई साहब, इतना धूप पड़ता है बाहर, अंदर छोटा मोटा काम करना हो तो कर लेता हूँ, बाकी सारा नहीं करता हूँ, बाकी जो भी सामान देना हो तो दे देता हूँ। गाड़ी थोड़ी तेज चलाना पड़ेगा, लंबा सफर रहे तो बहुत थोड़ा सा टाइम भी लगता है भाई, 50 किलोमीटर निकाले अभी, 18 घंटे गाड़ी और चलानी है, 18 घंटे, 450 किलोमीटर और है। मुझे लग रहा है टेलीपोर्ट करने पड़ेगा गाड़ी को, इतना लंबा चलेगी नहीं मेरे से, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, रूम भी पूरा हीट हो चुका है और ये मेरे पीसी बहुत गर्म करता है, और इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है भाई साहब, इतने गर्मी फेंक रहा है बाहर,
पसीने पसीने आ रहे मेरे। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा गर्मी में सहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फैन लगा देंगे, कूलर लगा देंगे और आप सपोर्ट रखोगे तो एसी भी लगा देंगे अंदर। ये क्या हो रखा है टूरिस्ट वाले? अरे ये घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट गाड़ियाँ, अभी चढ़ेगी चढ़ाई। भाई रॉन्ग वे में चढ़ रही गाड़ी, अभी देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते कितने हैं। गाड़ी सारी वीआईपी गाड़ियां, सारी महंगी महंगी गाड़ियां। भाई साहब बाहर से गाड़ी की आवाज़ कैसे आ रही है, ये पीछे गाड़ी और आ रही है, अपने ट्रक की आवाज़ तो अलग से आ रही है, पीछे खटारा और आ रही है, अल्टो 800 आ रही है, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चल रही है गाड़ी अपनी तो। और भाई साहब अगली बार मेरे को बड़ा काम मिला है कि जो जेसीबी होती है ना उसको लोड करके लाना पड़ेगा। भाई ट्रक बहुत भारी, 8वें गियर पे चढ़ रहा है देख लो। भाई साहब आगत है तू चला दे। ये क्या रास्ता भूल गए क्या? भाई अभी घूम के निकलना पड़ेगा, टनल आ रही है वो देखो, टनल आ गई ना, इसको घूम के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये गाड़ी कहाँ जा रही है भाई? आगे का रास्ता देखने के चक्कर गाड़ी अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी यहाँ का टर्न बहुत ज़बरदस्त है यार, तो फाइनल अपना टनल का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी जाने वाली है तो इसके कारण मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ, इनको निकलने देते हैं। और फिर मैप में देखो कितना दूर जाना है भाई, अभी गाड़ी टेलीपोर्ट होगी यहाँ, इतना गाड़ी चलेगी नहीं, मेरे इतना यहाँ तक आने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। हम क्या करते हैं यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं, फिर तो मिलते हैं आगे। चलो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं नज़दीक की शहर, जो शहर आ चुका है इसके पास में। भाई साहब बहुत मेहनत के कारण हम यहाँ पर पहुँचे, अभी 5 किलोमीटर और हैं, 11 मिनट का रास्ता पास ही है, पर इतना दिखाता नहीं वजन। गाड़ी एकदम फास्ट 100 की स्पीड में जाती है तो मज़ा आता है। तो आ चुका अपना यहाँ पर, हम इस कंपनी के सामान लेके आए, तो इस कंपनी का आ चुका है गेट और यहाँ से हम घुसते हैं अंदर। और यहाँ का पार्किंग हो गया, ये सिंपल ही करते हैं, इतना हार्ड नहीं करते हैं। ये सामने है,
ये टी प्रेस किया, ये भाई हाइड्रोलिक सिस्टम है भाई। फाइनल मैंने कम्प्लीट हो चुका है, कितना लॉस हो चुका है, लॉस तो इतना ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, लॉस कम हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राम राम।